विधर्मियों को हमारी ये कथा भाती क्यों नहीं है? क्या कारण है कि विधर्मियों को यह कथा पसंद नहीं आती है? बस महाराज इसका उत्तर दे दी। इसका जवाब तो हमसे पहले ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री दे चुके हैं। है समाज के अंदर ऐसे लोग जिन्हें अमृतवाणी क्या कहूं, अमृत ही हजम नहीं होता। हमारे यहाँ विज्ञान के द्वारा भी और हमारे शास्त्रों में भी शहद को अमृत बताया है, लेकिन शहद को अगर कुत्ता चाट लेता है तो मर जाता है महाराज। जो हमारे यहाँ औषधि मिश्री होती है, मिश्री मीठी, मिश्री मावा जिसको बोलते हैं, आयुर्वेद में भी और विज्ञान में भी इसको औषधि बताया है, अमृत बताया है, लेकिन गधा अगर इसे खा ले तो मर जाता है। हमारे यहाँ नीम को हकीम बताया है, कौआ नीम के पेड़ पर ही रहता है, लेकिन नीम की अगर निबोरी खा ले तो कौआ मर जाता है। अब ये चीजें है तो अमृत, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हजम नहीं होती है। अब जिन्हें हजम नहीं होते, मैं उनकी तुलना मैंने गधे से नहीं की है, मैंने उदाहरण दिया है, मैंने कौए से नहीं की है, मैंने कुत्ते से नहीं की है।